रे लास्ट गिफ्ट नका करू, मी तुमच्यासाठी खूप सारा ऑफर आणलेले आहे. आपल्या राजधानीला येत्या 10 तारखेला 10 वर्ष कंप्लीट होणार आहेत. एक आज शहर बचाओ इंसाफ यात्रा का 5वां दिन है. कल ये इंसाफ यात्रा गोल्डन नगर जाफर नगर के हिस्से से होते हुए अजीज कल्लू स्टेडियम में खत्म कर दी जाएंगी, क्योंकि 18 अक्टूबर को संविधान रक्षक अखिलेश यादव और इकरा हसन मालेगांव शहर आ रहे हैं, तो जलसे की तैयारी शुरू करनी है. आज ये यात्रा इस्लामपुरे से निकली. आप यकीन मानो, इस्लामपुरे वालों ने शान हिंद का ऐसा वालाना इस्तकबाल किया कि जो बात बोली जा रही है कि शहर में बदलाव की लहर है, वो कहीं ना कहीं आज इस्लामपुरे ने अमली तौर पर कर दिखा दिया कि शहर में बदलाव की लहर है. हम इन 25 सालों से देख रहे हैं कि इस शहर की मिल्ली शनाख्त खत्म की जा रही है धीरे धीरे. फिरका परस्तों के साथ मिलकर साबिक एमएलए और मौजूदा एमएलए, आप देखेंगे मालेगांव शहर का नाम आता है दुनिया में तो ये माना जाता है कि ये मुसलमानों का शहर है. हर शहर अपने कौम अपने मजहब के हिसाब से वो वहां डेवलपमेंट होता है, उस हिसाब की शनाख्त बनाई जाती है. कोई क्रिश्चियन शहर रहेगा तो उसे उस हिसाब से बनाया जाएगा, कोई हिंदू शहर रहेगा तो उसे उस हिसाब से बनाया जाएगा, कोई दलित शहर रहेगा तो उसे उस हिसाब से बनाया जाएगा, कोई पंजाबी शहर रहेगा तो उसे उस हिसाब से डेवलप किया जाता है. आप देखेंगे मैं नूरी टावर के साए में खड़ा हूं, ये निहाल साहब ने बनाए थे. ये इसे कहा जाता है मिल्ली शनाख्त, कि इसका जब फोटो निकाला जाए तो शहर की पहचान बताई जाए, लोग जब यहाँ आकर देखें तो लगे कि ये इन मुसलमानों का शहर है. मगर इन 25 सालों में साबिक एमएलए और मौजूदा एमएलए एक ऐसी निशानी बताएं जो इस शहर की मिल्ली शनाख्त को जाहिर करता हो. मुझे यहाँ पर खड़े हुए लोग कोई बोले कि इन 25 सालों में इन्होंने कोई एक ऐसी शनाख्त बनाई है क्या? कोई नहीं जिसे हम बोल सकते हैं कि ये मिल्ली शनाख्त है. नहीं, उल्टा आप देखेंगे कि अब जब आप मालेगांव शहर में एंट्री करते हो, जिस तरह से गेट बनाया गया, जिस तरह से दूसरे सब चीजों का सुशोभीकरण किया जा रहा है, जिस तरह संगमेश्वर और ये हिस्से का वो एक शनाख्त बना रहे हैं, आप मेरी बात को समझिए, वो शहर को एक दूसरे एंगल में ले जाकर बनाया जा रहा है, बताया जा रहा है. हम जो बार बार बोलते हैं कि फिरका परस्ती का रंग रूप बदल गया, अब शहर की तरक्की किस तरह ना हो इसकी कोशिश की जाती है और उस तरफ उनकी शनाख्त किस तरह दिखे ये बताया जाता है. हमें उससे औचित्य है ही नहीं कि वो अपनी शनाख्त ना बताएं, मगर हमें ऑब्जेक्शन इस पे है कि इस शहर की मिल्ली शनाख्त मुसलमानों की शनाख्त खत्म करने का काम इन दोनों की मिली जोड़ ने किया है. नहीं तो एक निशानी बता दे, हम ऐसी कई निशानियां बता सकते हैं जो इस शहर की शनाख्त हो. अगर मैं संविधान के पास अशोक स्तंभ लगाया तो संविधान की निशानी बनाने के लिए लगाया कि ये मुल्क में संविधान भी दिखे, इस मुल्क में हमारी मिल्ली शनाख्त भी दिखे. ये नूरी टावर उसी का एक नमूना रहा है. मगर इन 25 सालों में इन दोनों की मिली जोड़ ने इस शहर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया. हम इंसाफ के लिए आए हैं, इंसाफ इसलिए चाहिए कि आज हमारी माए बहने नदी के उस पार जा रही है कि नहीं जा रही है, रात में नंबर लगा रही है कि नहीं लगा रही है बैंक के बाहर लगा रही है. तो ऐसे हालात इस शहर में क्यों कर हुए? जो हमारा हक था, जो हमें मिलना चाहिए था, मौजूदा एमएलए ने तो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि नेशनलाइज
बैंक की ब्रांच के हिस्से में कई ब्रांच खोलेंगे। खोलना तो दूर, जो थी वो भी चली गई, उसे भी नहीं संभाल पाए। ये शहर की नुमाइंदगी करेंगे, ये शहर की तरक्की के लिए काम करेंगे। जो मंत्री के सामने मुर्गा बने हुए हैं, ये क्यों नहीं बोलते मंत्री के लिए? सिर्फ इसलिए कि इनको ठेकेदारी चाहिए। ठेका मैनेज करके मंत्री के लोगों ने मुझे खुद बोला है कि तुम्हारे आमदार को हम ठेका मैनेज करके देने का बोले हैं, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे इन टेंडरों में। और उसने बोला तो ये साबित किए कि इन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया कि हमारे शहर में कोई काम क्यों नहीं किया जा रहा है। उन्हें सिर्फ ठेकेदारी में मजा आ रहा है इन 5 सालों में। साबिक एमएलए का हाल ऐसा है कि भ्रष्टाचारी, करप्शन हर जगह किए, मगर यही नूरी टावर पर जब तायरा मैडम मेयर थी तो इस नूरी टावर पर टैक्स लगा दिया गया था लगभग 2.5 लाख रुपए का। आप ये बात रजा एकेडमी के जिम्मेदारांग से पूछ सकते हो। निहाल 2016 की बात है, निहाल साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस वक्त साहब बुलाकर मुझे बुला के बोले थे हॉस्पिटल में कि उस नूरी टावर पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, वो कोई कमाई का जरिया नहीं है, उसको कैसे भी टैक्स फ्री करवाओ। हमने उसके लिए धरना दिया, ऊपर से लेकर नीचे तक कोशिश की, कानूनी मामला को समझा और इस पे से टैक्स हमने हटवाया, क्योंकि ये हमारी मिली शनाख्त थी नूरी टावर। ये हम ही थे जिसे कानूनी भी समझती, जमहूरी भी समझती, नहीं तो इस पे भी टैक्स लगा दिया गया होता, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार करना रहता है। पैसा, मैं पहले ही बोला कि वोट हमारी, पैसा हमारा, हमारे लोगों के पसीने से कमाया हुआ पैसा, और मजा मंत्री मारेगा ऐसा इस शहर में होने वाला नहीं। ये साबिक एमएलए और मौजूदा एमएलए, आज साबिक एमएलए बड़े बोलते हैं मंत्री ऐसा, मंत्री ने शहर को बर्बाद कर दिया, हम आजादी दिलाएंगे। अरे तुमने ही सबसे पहले मंत्री के सामने इस शहर को गिरवी रखा, इस शहरियान को गुलामी के दलदल में ले जाने वाले तुम ही हो। सबसे पहले जी हुजूरी करने का काम तुमने शुरू किया, तुमने ही मंत्री को बजट दिया, तुमने ही मंत्री की हाँ में हाँ मिलाई, तुमने ही मंत्री को दावाड़ी का पानी दिया, तुमने ही मंत्री के लोगों को स्टैंडिंग का चेयरमैन बनाया, महिला बाल विकास का चेयरमैन बनाया, तुमने ही डिप्टी मेयर बनाया। सारी चीजें, सारे काम कर लेने के बाद अब तुम दूध के दूल्हे कैसे हो सकते हो? ये मुमकिन ही नहीं है। अगर कोई समझता हो कि लोग भूल जाते, तो मैं बोल रहा हूँ इस इलेक्शन में 1999 से 2024 तक 25 साल की बातें लोग भूलेंगे नहीं। हम जब बात उनके सामने रखेंगे तो लोग ये समझ जाएंगे कि इन 25 सालों में इन दोनों की मिली जोड़ ने शहर को बर्बाद किया है। हम आज आपके पास आए हैं इंसाफ के लिए, हम चाहते हैं कि शहर के साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारी मिली शनाख्त कायम रहना चाहिए, इस शहर का दबदबा कायम रहना चाहिए, इस शहर की तामीर और तरक्की का प्लान जिसके पास हो उसके साथ आपको रहना चाहिए। 3 नुमाइंदे इलेक्शन लड़ने वाले हैं, एक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, एक आसिफ शेख और एक शान हिंद। अब ये फैसला आपको करना है कि साबिक और मौजूदा एमएलए, अगर आपको लगता है कि ये इस शहर के साथ इंसाफ कर सकते हैं तो आप उनके साथ रहिए, अगर आपको लगता है कि ये दोनों इस शहर के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो आप शान हिंद के साथ रहिए। इतना ही बोलने के लिए हम आपके पास आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आज इंसाफ यात्रा का इस्लामपुरे से आगाज हो रहा है। इस्लामपुरा ये एक तरह से मैं ये बोलूंगी कि निहाल साहब की सियासी जिंदगी की इब्तिदा है। जब साथी निहाल अहमद साहब पहली बार इलेक्शन लड़े, उनके सामने उम्मीदवार इस इलाके के थे, लेकिन इसके बावजूद जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उनके सामने वाले उम्मीदवार से ज्यादा इस इलाके ने साथी निहाल अहमद साहब को पसंद किया।
इसलिए मैं हमेशा से साथी निहाल अहमद साहब और जनता दल और समाजवादी की तरफ से आपकी शुक्रगुजार हूँ। बाकी सब बातें मुस्तकीम ने बता दी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आने वाला इलेक्शन वो आने वाले मुस्तकबिल को तय करेगा। आज मालेगांव शहर के ये हालात हैं कि मालेगांव शहर का एक हिस्सा हमारी बुनियादी सहूलत के लिए, जरूरत के लिए तरस रहा है और दूसरा इलाका जो है वो खूबसूरती की तरफ जा रहा है। मालेगांव शहर में आज गटर, नल और पानी के अलावा मालेगांव शहर की कौम की तरक्की कैसी होगी? मैं ये मानती हूँ कि किसी भी कौम को तरक्की करने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है, एक सेहत, तालीम और माली तौर पर मुस्तहकम होना, ये सबसे बड़ी बात है। और आने वाले वक्त में हमने जो तय किया है कि जहाँ मर्दों के लिए रोजगार वहाँ खवातीन के लिए रोजगार भी, यानी जो लोग, जो औरतें तालीम याफ्ता हैं उनके लिए रोजगार, और जो लोग हुनरमंद जो खवातीन हैं उनको घर बैठे बाइज्जत तरीके से कैसे रोजगार मिले सरकारी स्कीम के तहत, कम मेहनत में ज्यादा काम, ऐसी कोशिश हम लोग आपके साथ मिलकर करेंगे। आने वाले वक्त में सस्ती तालीम हो, बुनियादी तालीम सस्ती हो, जहाँ इतनी महंगाई हो गई है कि बच्चों को तालीम याफ्ता कराना, माँ बाप के लिए एडमिशन कराना बड़ा मुश्किल होता है, वहीं आप देखेंगे जहाँ लीडर संजीदा होते हैं, चाहे वो दिल्ली हो चाहे भिवंडी हो, उन्होंने प्राइमरी तालीम को इतनी आसान, खूबसूरत और मियारी बनाया कि जो लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डाला करते थे वो प्राइमरी की तरफ रागिब हुए। इसी तरह हमने भी खाका बनाया है कि इब्तदाई तालीम और हायर एजुकेशन वो आसान हो, सस्ता हो, उसके लिए कोशिश करेंगे। दूसरा, जो फिरका परस्ती होती है, फिरका परस्ती ने अपना रुख बदल दिया है। 2017 से हम लोग बोल रहे हैं कि पहले फिरका परस्ती होती थी तो फसाद होते थे, लूटमार होती थी, अब रुख बदल गया है, अब तामीरी काम नहीं होते। जिस इलाके के साथ, जिस हिस्से के साथ फिरका परस्ती करना होती है वहाँ उसको बुनियादी तौर पे तोड़ा जाता है, डेवलपमेंट नहीं किया जाता। वैसा ही मालेगांव के साथ हो रहा है कि हमारे इस हिस्से में ना तामीर और तरक्की हो रही है, ना एजुकेशन की तरफ सोचा जा रहा है, ना रोजगार की तरफ सोचा जा रहा है। इंशाअल्लाह आप लोगों ने निहाली सोच के साथ समाजवादी पर भरोसा किया तो आने वाले वक्त में हम लोग तालीम के लिए कोशिश करेंगे। अपना हमने खाका बनाया है और अब हम लोग अकेले नहीं है। अगर हम मालेगांव में यहाँ हैं तो मुंबई में हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब है और वहाँ से दिल्ली लखनऊ में हमारे साथ अखिलेश यादव साहब है। वो बाहर से तालीम हासिल करके आए हैं, उनका काम करने का तरीका दूसरे लीडरों के बनिस्बत अलग है, तेज है और बाशऊर तरीके से वो काम करते हैं। तो मालेगांव की इस तरफ की आवाम के लिए हमने सेहत, तालीम और रोजगार के लिए सोचा है। आप लोगों से मैं दरख्वास्त करती हूँ आने वाले इलेक्शन में आप जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब पे माजी में भरोसा किया करते थे और मालेगांव शहर में साथी निहाल अहमद साहब ने सिर्फ तालीम का ज्ञान नहीं बल्कि मालेगांव शहर के दबदबे को कायम रखा, वैसे ही कोशिश हम करेंगे ताकि माजी में कभी 12 नवंबर जैसा वाकया ना हो, माजी में कभी यात्रा के वक्त में जिस तरह मस्जिद में नमाजों के वक्त खलल हुआ वैसा वाकया ना हो। ये सब रोकने का काम सिर्फ निहाली ताकत कर सकती है और मैं ये जानती हूँ ये इलाका बहुत जरखेज है, जहाँ बाशऊर लोग रहते हैं, तालीम याफ्ता लोग रहते हैं और ऐसे लोग रहते हैं जो कौम और मिल्लत के बारे में सोचते हैं। इसलिए आप लोग जिस तरह माजी में साथी निहाल अहमद साहब पर भरोसा किए थे उस तरह उनकी बेटी पर आप भरोसा कीजिए। आने वाले वक्त में मालेगांव शहर का मुस्तकबिल और मालेगांव शहर का नाम दबदबा कायम रहे उसकी पूरी कोशिश मैं आप लोगों की मदद से करूंगी। डायमंड कारपेट हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेटलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।